हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ सोमेजा लॉ इन वेन्स। तो आज हम एक कम्प्लीटली न्यू टॉपिक के साथ हैं, दैट इज़ ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय मजिस्ट्रेट। ओके, तो बेसिकली इस टॉपिक को हम समझेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे ट्रायल ऑफ वॉरंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट। ओके, तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय मजिस्ट्रेट। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि थैंक यू सो मच एवरीवन, सो बिकॉज हमने 2000 सब्सक्राइबर्स हिट कर लिया है, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय मजिस्ट्रेट इज गिवन इन चैप्टर 20 में दे रखा है ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय मजिस्ट्रेट एंड इट कवर्स द सेक्शन 251-259। ओके, अब ये जो वर्ड है समन केसेस, इट हैज़ बीन डिफाइंड और यू कैन से डिफाइंड और इन द नेगेटिव सेंस में इसको डिफाइन किया गया है सीआरपीसी में इन सेक्शन 2W। ठीक है, नेगेटिव सेंस में इसको हमने डिफाइन किया है, समन केसेस को डिफाइन किया गया है इन सीआरपीसी 2KW में। ठीक है, इसमें कहा गया है अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस नॉट बीइंग अ वॉरंट केस, ऐसे केसेस जो ऐसे ऑफेंसेस से रिलेटेड हैं जो वॉरंट केसेस नहीं हैं वो होते हैं हमारे समन केसेस। अब वॉरंट केसेस क्या हैं? तो वॉरंट केसेस वैसे केसेस होते हैं जो ऐसे ऑफेंस के लिए पनिशेबल होते हैं, ऐसे केसेस जो उस ऑफेंस के लिए पनिशेबल हैं जो ऑफेंस पनिश करता है विथ डेथ, इम्प्रिजॉनमेंट ऑफ लाइफ, इम्प्रिजॉनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग टू ईयर्स। तो ये सारे केसेस जो होते हैं वो वॉरंट केस कहलाते हैं, और ऐसे केसेस जो वॉरंट केसेस नहीं होते हैं वो कहलाते हैं हमारे समन केसेस। ओके, तो ये आपको बेसिक डिफरेंस पता चल गया, व्हाट आर वॉरंट केसेस एंड व्हाट आर समन केसेस। ठीक है, अब ये जो डेफिनेशन बताया हमने, ये एक बेसिकली क्लासीफाई करता है समन केस और वॉरंट केस के बीच में। ठीक है, और बेसिकली किस तरीके से क्लासिफाई करता है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हाँ ठीक है, डेथ है, इम्प्रिजॉनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजॉनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ एक्सीडिंग टू ईयर्स। तो इट डिफाइंस और डिस्टिंग्विशेस बिटवीन बोथ द केसेस लाइक समन केस एंड वॉरंट केस विद सीइंग द सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस, ऑफेंस को देखते हुए ये दोनों को डिस्टिंग्विश करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम ट्रायल ऑफ समन केसेस। ठीक है, अब इसको बेसिकली हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में सिक्स मेजर स्टेप्स में पढ़ेंगे, और ये वीडियो फिर बहुत ही आसान हो जाएगा और ये टॉपिक बहुत ही आसान हो जाएगा आपको समझने के लिए इन सिक्स मेजर स्टेप्स से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट पॉइंट। द फर्स्ट पॉइंट सेज सब्सटेंस ऑफ एक्विजिशन टू बी स्टेटेड टू द अक्यूज्ड। जो एक्यूजेशन का जो हम सब्सटेंस है वो पता होना चाहिए अक्यूज को, ऐसा सेक्शन 251 में दे रखा है। ओके, सो बिफोर दिस, कोई भी जो समन केस होता है, किसी भी समन केस में जो अक्यूज्ड, जब अक्यूज लाया जाता है मजिस्ट्रेट के सामने, ठीक है, व्हेन द अक्यूज्ड इज ब्रॉट बिफोर द मजिस्ट्रेट, देन इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो भी पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफेंस है ऑफ विच ही इज अक्यूज्ड शैल बी फर्स्ट प्रेजेंटेड टू हिम। ओके, एंड देन ही शुड बी आस्क्ड वेदर ही प्लीड्स गिल्टी और नॉट। फिर उससे ये पूछा जाएगा कि क्या वो गिल्टी प्लीड करता है या फिर नहीं, या फिर कोई भी डिफेंस है इस पर्टिकुलर एक्यूजेशन के लिए तो उससे ये पूछा जाएगा। ठीक है, एनी डिफेंस टू मेक इट बट शैल नॉट नेसेसरी टू फ्रेम अ फॉर्मल चार्ज। उसे हम पूछ लेंगे, उसके पर्टिकुलर्स बता लेंगे, लेकिन जो समन केस में एक फॉर्मल चार्ज को फ्रेम करना नेसेसरी नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इट इज़ नेसेसरी दैट द अक्यूज्ड शुड हैव अ क्लियर स्टेटमेंट मेड टू हिम एज टू द पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफेंस ऑफ विच ही इज चार्ज। ये नेसेसरी है कि जो अक्यूज्ड को, दैट द अक्यूज्ड शुड हैव अ क्लियर स्टेटमेंट, अक्यूज्ड को क्लियर स्टेटमेंट हम बता देंगे। ठीक है, अक्यूज को क्लियर स्टेटमेंट बता दी जाएगी कोर्ट के थ्रू कि क्या क्या पर्टिकुलर्स, उसने जो ऑफेंस किया है उसके क्या क्या पर्टिकुलर्स मेंशनड है चार्ज में। ठीक है, एंड अक्यूज मे नॉट बी कन्विक्टेड, कोई भी अक्यूज कन्विक्टेड नहीं भी हो सकता है इवन ऑन हिज एडमिशन ऑफ गिल्ट। उस अगर वो गिल्ट बोल दे रहा है कि यस ही प्लीड्स गिल्टी, तो ही देन इन दैट केस ऑल्सो ही मे नॉट बी कन्विक्टेड ऑफ द गिल्ट एडमिशन ऑल्सो if the prosecution report does not make out of any offense under statute।
अगर जो प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट है वो कोई भी ऑफेंस उसके अगेंस्ट नहीं क्रिएट करती अंडर स्टैट्यू. ये कहा गया था पुरुषोत्तम साबरा वर्सेज स्टेट ऑफ उड़ीसा 1992. प्लीज़ मैंशन द केसेज इन योर नोट्स. पुरुषोत्तम साबरा वर्सेज स्टेट ऑफ उड़ीसा 1992. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट हो गया है हमारा. सेकेंड पॉइंट ये कहता है कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी. जैसा कि ये नेम ही सजेस्ट कर रहा, कन्विक्ट किया जाएगा उसको व्हेन ही प्लीड्स गिल्टी. ये दे रखा है सेक्शन 252 में. इफ द अक्यूज प्लीड्स गिल्टी द मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द प्ली एज नियरली एज पॉसिबल इन द वर्ड्स यूज बाय द अक्यूज एंड मे इन हिज डिस्क्रिशन कन्विक्ट हिम देयर ऑन. मतलब जब जो अक्यूज है व्हेन ही विल प्लीड गिल्टी एंड जो मजिस्ट्रेट है वो क्या करेगा उसके वर्ड्स में अक्यूज ने जिस वर्ड्स जो वर्डिंग्स यूज़ की हैं अपना गिल्टी को यू नो एक्सेप्ट करने के लिए कम ही ट्राई टू रिकॉर्ड एज नियरली एज पॉसिबल इन द वर्ड्स ऑफ द अक्यूज एंड एट देयर ऑन हिल कन्विक्ट हिम. ओके, एंड वहीं पे उसको कन्विक्ट कर लिया जाएगा. लेकिन अगर जो अक्यूज है वो अपने कुछ चार्जेस फॉर एग्जांपल वो उसके सर्टेन चार्जेस उसके ऊपर लिखे लगे गए वो उनमें से कुछ चार्जेस या फिर सारे के सारे चार्जेस उस पर जो लगाए गए हैं उसको उसके लिए प्लीड करता है गिल्टी नहीं प्लीड करता है उनमें से. या तो कुछ चार्जेस के लिए गिल्टी नहीं प्लीड करता है जितने चार्जेस लगाए गए हैं या फिर सारे के सारे चार्जेस के लिए अगर वो गिल्टी नहीं प्लीड करता है इफ इज नॉट प्लीडिंग गिल्टी देन इन दैट केस द कोर्ट इज बाउंड टू प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द लॉ बाई एग्जामिनिंग द विटनेसेस प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस. तो कोर्ट जो होगी वो बाउंड होगी कि वो लॉ के अकॉर्डिंग प्रोसीड करे बाई एग्जामिनिंग द विटनेसेस प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस. ओके, थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं. थर्ड पॉइंट हमारा कहता है कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी इन एब्सेंस ऑफ अक्यूज्ड इन पेटी केसेस. ओके, पेटी छोटे मोटे केसेस जो है उसमें कन्विक्ट होगा और वो एब्सेंस होगी उसकी वहाँ पे अक्यूज की तब क्या होगा. ये कहा गया है सेक्शन 253 में. सो सेक्शन 253 ऑफ द CRPC ये कहता है कि इसका एक काफ़ी सिंपलर प्रोसीजर होगा ऐसे पेटी केसेस को डिस्पोज करने के लिए व्हेन द अक्यूज पर्सन इज नॉट प्रेजेंट इन द कोर्ट. ओके, वेयर द अक्यूज वांट्स टू प्लीड गिल्टी. जिस केस में अक्यूज जो है वो गिल्टी प्लीड करना चाहता है बट ही इज बट विदाउट अपियरिंग इन द कोर्ट देन द अक्यूज इज सपोज टू सेंड 1,000 rupees बाई पोस्ट थ्रू मैसेंजर और जिसको हम प्लीडर कहते हैं टू द मजिस्ट्रेट को वो भेजेगा. वो मजिस्ट्रेट को 1,000 rupees भेजेगा. ठीक है, अगर वो डिस्पोज ऑफ करना है मतलब बेसिकली वो अपीयर नहीं होना चाहता है बट उसकी केसेस की जो सुनवाई है वो होगी तो वो इसके लिए फॉर दैट पर्पज ही सेंड 1,000 rupees. ओके, द मजिस्ट्रेट कैन ऑन हिज डिस्क्रिशन कन्विक्ट द अक्यूज. जो मजिस्ट्रेट होगा इस डिस्क्रिशन पे कन्विक्ट करेगा अक्यूज को. ओके, नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट. 251 देखा हमने, 252, 253 सेक्शंस देख लिए हमने, एक केस भी देखा पुरुषोत्तम साबरा वर्सेज स्टेट ऑफ उड़ीसा. तो अब हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट जो कहता है प्रोसीजर विल नॉट कन्विक्टेड बाय द मजिस्ट्रेट. इसका प्रोसीजर क्या होगा जब मजिस्ट्रेट के द्वारा नहीं कन्विक्ट किया जाएगा. सेक्शन 254. ओके, सो सेक्शन 254 क्या बात करता है. इफ द मजिस्ट्रेट डज नॉट कन्विक्ट द अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 252 और सेक्शन 253 द मजिस्ट्रेट शैल प्रूव प्रोसीड टू हियर द प्रोसिक्यूशन एंड टेक ऑल एविडेंसेस एज मे बी प्रोड्यूस्ड इन सपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन एंड ऑल्सो टू हियर द अक्यूज एंड टेक सच एविडेंसेज एज ही प्रोड्यूसेस इन हिज डिफेंस. इसका मतलब ये है कि अगर जो मजिस्ट्रेट है वो सेक्शन 252 और 253 के अंदर कन्विक्ट नहीं करता है मजिस्ट्रेट को तो सॉरी अक्यूज को देन इन दैट केस जो मजिस्ट्रेट होगा ही विल प्रोसीड टू हियर द प्रोसिक्यूशन. पहले वो प्रोसिक्यूशन को सुनेगा, उसके सारे एविडेंसेस को देखेगा, उसके एविडेंसेस को मद्देनजर रखते हुए एंड देन ही विल प्रोसीड इन सपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन. ठीक है, अगर उसको ये लगता है कि या व्हाट दे आर प्लीडिंग इज यू नो इट इज वर्थ देन इन दैट केस ही विल प्रोसीड इन सपोर्ट ऑफ द. ओके, देन आफ्टर दैट एंड ऑल्सो टू हियर द अक्यूज. वो पहले तो दोनों साइड को सुनेगा, वो दोनों साइड को सुनेगा, वो प्रोसिक्यूशन को भी सुनेगा एंड ही विल ऑल्सो हियर द अक्यूज साइड और दोनों साइड से सारे के सारे एविडेंसेस कलेक्ट करेगा एज ही प्रोड्यूस इन हिज डिफेंस. डिफेंस में जो एविडेंस अक्यूज ने जो एविडेंसेस दिए हैं वो और प्रोसिक्यूशन ने जो एविडेंसेस दिए हैं उन सारे को सुनेगा, उसको कंसीडर करेगा
After that, the magistrate may, on the application of the prosecution, issue summon to any witness directing him to attend or produce witnesses. उसके बाद जो magistrate होगा वो prosecution के application पे किसी भी इंसान को summon issue कर सकता है, किसी भी witness को basically summon issue कर सकता है, directing him to attend or produce evidences produce करने के लिए. The magistrate is bound to examine all the witnesses. जो magistrate है वो bound है कि वो सारे witnesses को examine करे. And he is not empowered, वो सारे witnesses को examine करे, and he is not empowered to limit the number of witnesses. But उसको कोई भी ये power नहीं है कि वो limit करे number of witnesses को, ठीक है. The magistrate may, before summoning any witnesses on such application, require that the reasonable expenses of the witnesses incurred in attending for the purpose of trial be deposited in the court. मतलब जो भी reasonable expenses लगे हैं वो magistrate चाहते हैं कि summon की process में should be deposited in the court. Okay. So next देखते हैं हम acquittal and conviction. This is given in section 255. Acquittal or conviction. क्या किया जाएगा उस accused के साथ? Okay, so acquittal and conviction की बात करते हैं. If the magistrate, after considering evidence, finds the accused not guilty. अगर एविडेंस का कंसीडर करने के बाद मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो अक्यूज्ड है वो गिल्टी नहीं है, ही शैल रिकॉर्ड एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल. तो वो एक्विटल के ऑर्डर को रिकॉर्ड करेगा. ही मे आल्सो डिसाइड टू रिलीज द ऑफेंडर. वो ऑफेंडर को रिलीज़ करने का भी डिसाइड कर सकता है. आफ्टर एडोमिनेशन और ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट आफ्टर अंडर सेक्शन 360 और अंडर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 के अंदर उसको रिलीज करने के भी ऑर्डर्स दे सकता है. आफ्टर कंसीडरिंग द केस ऑफ ऑफेंस, कैरेक्टर ऑफ ऑफेंडर एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ केस को कंसीडर करने के बाद, अ मजिस्ट्रेट मे कन्विक्ट द अक्यूज. मजिस्ट्रेट जो है वो अक्यूज को भी कन्विक्ट कर सकता है ऑफ एनी ऑफेंस विच फ्रॉम द फैक्ट्स एडमिटेड और प्रूव्ड द अक्यूज अपीयर्स टू हैव कन्विक्टेड. मजिस्ट्रेट जो है वो कन्विक्ट कर सकता है अक्यूज को अगर उसको लगता है कि जिन जो जो चार्जेस लगाए गए हैं, जो फैक्ट्स एडमिट किए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग अक्यूज जो है उसने कमिट किया है इस पर्टिकुलर ऑफेंस को, ठीक है. बट ये तभी किया जाएगा जब मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई करता है अपने आप को कि हाँ ये पर्टिकुलर ऑफेंस अक्यूज ने किया है, ठीक है. अगर जो मजिस्ट्रेट है वो डिस्चार्ज कर रहा है या फिर एक्विटल कर रहा है अक्यूज का, उसको फिर ये लगता है कि कोई भी रीजनेबल ग्राउंड नहीं है एक्यूजेशन जो लगाए गए हैं उसके ऊपर, जो आरोप लगाए गए हैं अक्यूज के अगेंस्ट पर्सन, तो वो जो पर्सन उसके ऊपर जो यू नो जो चार्जेस लगाए उस पर्सन को बुलाया जाएगा और उसे पूछा जाएगा कि टेल इज़ द रीज़न टू शो कॉज द रीज़न एज टू वाई ही शुड नॉट पे कंपनसेशन टू द अक्यूज पर्सन, लाइक वाई यू शुड नॉट पे द कंपनसेशन टू द अक्यूज पर्सन. और उसके बाद मजिस्ट्रेट जो होगा वो रीजंस को रिकॉर्ड करेगा, उनमें एक ऑर्डर फिक्स करेगा कंपनसेशन के लिए टू बी पेड बाय सच पर्सन टू द अक्यूज्ड. ये बेसिकली ये जो चीज़ मैंने आपको भी बताई है बेसिकली कहा गया था डीएम सेठ वर्सेस गणेश नारायण आर पोदार के केस में. डीएम सेठ वर्सेस गणेश नारायण आर पोदार के केस में, प्लीज़ मेंशन दैट, मैंने मेंशन नहीं किया है, यू कैन मेंशन इन योर नोट्स. डीएम सेठ वर्सेस गणेश नारायण आर पोदार इस केस में कहा गया था. ओके, सो अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट के पॉइंट की तरफ. द कोर्ट कैन कन्विक्ट अ समन केस इनटू अ वारंट केस. सेक्शन 259 में ये दे रखा है. तो सेक्शन 259 ऑफ द सीआरपीसी ये कहता है कि इन द कोर्स ऑफ द ट्रायल ऑफ समन केसेस, ट्रायल ऑफ द समन केसेस के कोर्स में जो एक ऐसे ऑफेंस से रिलेट करती हैं जो विच इज पनिशेबल विथ इम्प्रिजॉनमेंट एक्सीडिंग 6 months, and it appears to the magistrate basically that for the interest of justice, you know, ki justice ke for the interest of the justice, the offense should be tried in accordance with the procedure or trial of warrant. For the trial of warrant cases, tab wo us particular summon case ko as a warrant case treat karega, and he may proceed to rehear the case or fir se sunega us case ko in the manner provided by the court for the trial of warrant case, and may even recall any witness who may have been examined. जो अगर किसी witness को examine कर भी लिया गया तो उसको वो recall कर बुला सकता है, दोबारा से बुला सकता है और उसको फिर से सुन सकता है.
सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट ट्रायल ऑफ समन केसेज बाय मजिस्ट्रेट. बेसिकली हमने 6 स्टेप्स में देखा, हमने सेक्शन 251 से 259 कंसीडर किया कि जो जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो देखा हमने. बेसिकली सारी इंपॉर्टेंट है बट जो 6 मेन इंपॉर्टेंट है वो हमने देखा 6 स्टेप्स में. डीएम सेठ वर्सेज गणेश नारायण आर पोदार का केस भी देखा हमने, और एक और केस देखा पुरुषोत्तम सावरा वर्सेज स्टेट ऑफ उड़ीसा 1992 का भी केस देखा हमने. हमने सारे सेक्शंस भी कंसीडर किए. सो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इफ़ यू हैव रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड येस हिट द बेल आइकन टू गेट मोर नोटिफिकेशन अबाउट द वीडियोज, एंड येस स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी फॉर द इंटायर लाइफ, एंड येस स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो विच विल बी ऑन ट्रायल ऑफ वॉरंट केसेज बाय मजिस्ट्रेट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.